क्या इंग्लिश सीखने टाइम हमें इंग्लिश uh, ग्रामर के नॉलेज का होना ज़रूरी है तभी हम बोल पाएंगे इसका सिंपल सा और एकदम इजी आंसर मतलब एक सेकंड में अगर आपको वीडियो स्किप करना है तो मैं बोलूँगा नो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है लेकिन आप अगर उसको समझना है तो थोड़ा सा थोड़ा लॉन्ग होगा अब देखिए इसे अब एक बात बताइए अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है अभी अभी मेरा इस टाइम पर इसका सीधा मतलब है कि आप हिंदी जानते हो और आप हिंदी समझ पा रहे हो अब मुझे ये बताओ क्या आपको तत्सम तद्भव या फिर संधि या फिर इन सभी अलंकार इन टॉपिक्स का नॉलेज है क्या आपको हाँ बेसिक अगर आप इसकी स्टडी कर रहे हो तो आपको होगा बट जब बोल रहे होते हो तो आपको पता भी नहीं होता तत्सम तद्भव होते क्या हैं अब सेम आप इंग्लिश को इससे रिलेट करो कि जो इंग्लिश स्पीकिंग लोग भी होते हैं ना, उनसे आप नाउन प्रोनाउन भी पूछो तो उन्हें नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस किया होता है सिर्फ बोलने वाले पार्ट को इंग्लिश के दो पार्ट्स होते हैं सर एक होता है लैंग्वेज वाला और एक होता है ग्रामर वाला वैसे दोनों एक दूसरे के इंटर रिलेट ही करता है बट एक दूसरे के समान एक जैसा नहीं है अब इसके इसको हम रिलेट करते हैं यहाँ से अब आप जब बोल रहे होते हो इंग्लिश और अगर आपको ग्रामर की बहुत डीप स्टडी आपने कर रखी है अपने वर्ड्स के बहुत डीप मीनिंग को जानते हो या फिर आपको ग्रामर के बहुत सारे रूल्स आपने याद कर रखे हैं तो जिस टाइम पे आप बोल रहे होगे उस टाइम पे सारे रूल्स सामने आ जाएंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, प्लस एक्टर वर्ड्स ये सब आके पूरा का पूरा हॉज पॉज क्रिएट कर देंगे और उस टाइम पर आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाऊँ या फिर ए सी आई एस लगाना या वर्ब के साथ क्या नहीं ऑब्जेक्ट में मैं क्या करूँ सब्जेक्टिव क्या होगा ऑब्जेक्टिव क्या होगा पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट कैसे करूँ या फिर बहुत ही अच्छे करना मतलब ये पूरा का पूरा हॉज पौज क्रिएट हो जाएगा अगर आपने ग्रामर की डीप स्टडी की रक, कर रखी है तो तो अब ऐसा आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मोस्टली जो इंग्लिश स्पीकिंग टीचर्स भी होते हैं ना मतलब इंग्लिश के टीचर्स भी होते हैं वो भी बोलते टाइम पे बहुत ही स्टटर करते हैं या फिर उनके वर्ड्स बहुत ही फ्लो के साथ नहीं आते क्योंकि उनको इंग्लिश की बहुत डीप स्टडी कर रखी होती है उन्होंने उनको ग्रामर के बारे में सब पता होता है अब इतने ज़्यादा रूल्स अगर आपने ले रखे हैं जैसे इमेजिन करो आपका फोन ही है थर्टी टू जी बी का आपका रॉम है आपने थर्टी वन जी बी फुल कर रखे हैं आपका फ़ोन क्या होगा स्लो हो जाएगा आपके फ़ोन की रैम एट जी बी है और एट जी बी में से सेवन जी बी रैम यूज़ हो चुकी है बाकी बचा हुआ एट जी बी तो आपका फ़ोन क्या होगा स्लो हो जाएगा सेम है अगर इंग्लिश लर्निंग में आपने अगर आपने बहुत डीप स्टडी कर रखा है ग्रामर के पार्ट्स का तो आपका स्पीकिंग क्या होगा स्लो हो जाएगा तो आप कहोगे कि सर बिल्कुल इंग्लिश सीख मतलब ग्रामर सीखना ही नहीं है बिल्कुल सीखना है सर कोई इसको सीखने के लिए मॉडल्स वर्ब हा वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और इसको इस चार टॉपिक को छोड़ के आपको कोई टॉपिक यूज करना ही नहीं है अगर आप ऐसा कर रहे हो तो वो यूजलेस है और टाइम पास है अब आ, अगर ये सब भी नहीं करना तो आराम से टिपिकली 400-500 का बुक आता है रेपिडेक्स का या फिर आ, बहुत सारे हैं जैसे आप परचेस करो उसमें सेंटेंसेस होती है सेंटेंसेस रट लो हो गया दो यूज no